मलाई पनीर। लो सा, आज आपने बताओ मैं इन वीडियो में मैंने मलाई पनीर घर में किकर बनाऊँ और एकदम सॉफ्ट पनीर किकर बने वो बताऊँ मैं आपने। इन वास्ते 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले दो मैं। दूध ने बढ़िया गर्म कर देना। दूध गर्म रहे तो एक बात ध्यान रखना, लगातार हिलाते रहना है, नीचे तले चिप जाला। जटे तो कहो दूजी तैयारी करना पड़े वो मैं ले दूँ नींबू सद। आप नींबू सद आपके अंदर नहीं रहे तो आप नींबू ले सको, नींबू रस काट गो, उनमें पानी मिला दो है और इनमें नॉर्मल पानी गाल लिया, कोई गर्म पानी गालना है अपन जरूरत नहीं है। जब तक घुल जाए बढ़िया घोल रखना है अपन दूध ने भी हिला तो रहना आता है। दूध ने बढ़िया गर्म कर लेना है। दूध ने मैंने एक दो उबाला था जब तक गर्म करना है। बढ़िया उबाल आएगा हम आपको गैस बंद कर दूंगा। गैस बंद करन 3-4 मिनट तक रखा अपने नीचे इन्हें उबलता दूध में कोई निकालना अपने। हम आपको नींबू रू पानी निकाल लो थोड़ा थोड़ा करने जो पानी गोल तैयार करिए आप ज़्यादा निकालना एकदम थोड़ा गाल पाँ अड़का हाथों लाओ ला पाओ अपने छनो पड़न तैयार हो जाला। अपन लगे एक दूध दाल नहीं फटो है तो थोड़ा और पानी निकाल लो मैंने आपको। लगभग लगे अपन 2 बार पानी निकाल लो अपन बढ़िया छनो पड़न तैयार हो जाला। दूध बढ़िया फटन टू है हड़का हाथ वालाणो है। और देखो अपन सब तैयार हो गया, पानी अलग रहेगा और छेनो अलग रहेगा। हम आपको इनमें थोड़ा ठंडो पानी गाल दो गर्म गणो है तो आपको छाना लगना अपना आसानी रहला। नींबू पानी साइड में बेल दो इनमें ठंडो पानी गाल लेना आपको। पहाड़ आपको एक छोन देर मैंने कपड़ो ले आना बढ़िया पतलो कपड़ो धोन कपड़ो ले आना इनमें आपको छोड़ देना पूरा छनो कपड़ा में रहती पानी नीचे जाते रही छोड़ दी वाल ध्यान रख जो पानी गर्म है छेनो अपने ऊपर को हमें आपको इन ठंडा पानी छेने धोई दो ला धोनो मतलब इन फटे जो पानी बाहर निकल दिला। बढ़िया दो पानी धोई दो हमें आपको कपड़े भिड़ो कर निचोड़ पानी बाहर काट दो ला। यूँ तो पनीर बाजार में एकदम आसानी मिल जाए पर घरे पनीर बनाए रहे एकदम बढ़िया पनीर बने घरे सस्तों ही पड़े अपने बाजार वालों कद ही बने रहे वो ताजो पनीर मिल जाए अपन घर बनाओ। निचोड़न पानी बाहर काट दो निचोड़ती वाला ध्यान रखना हल्का हाथों निचोड़ना है। हम आपको एक बर्तन में रखूँगा मैं बर्तन में एक जाली बूंदी मारी इन मात्र रखूँ जाली बूंदी मारने और कारण एक पानी नीचे जाता रहे अगर जाली नहीं रहता तो एक थाली में रखो थाली थोड़ी ऊंची कर दो एक आड़ू और फिर दबा दो पानी थाली नीचे जाता रहे। हम पनीर जमा दो पनीर आपने जी तो मोटो पतलो चाहिए वो तो फैलाए दो
मैं तो वजन रख दूँगा दबान दबावनों का अपना पनीर सेट रह जाए पूरा 1-2 घंटे और वास्ते रख दो दबान। दो घंटे और बाद में आप चेक करो भाजपा अपन पनीर ने जड़ जमन तैयार हो जाए एकदम सेट रह जाए। और देखो अपन पनीर एकदम जमन सेट रखो पूरा 2 घंटे और बाद में हमें आप रे साहब नैना मोटा पीस काट सको वो पनीर रेडी है आप रे सब्जी बनाने वास्ते पीस आप रे साहब काट सको नैना मोटा। मैं आपने काट बताऊंगा कि अपन पनीर की तो सॉफ्ट बनी एकदम मलाई पनीर कटे की तो हो रहा एकदम देखो दबान देखो एकदम मस्त दबे रही हो एकदम कड़क पनीर नहीं बनी हो एकदम हार्ड नहीं रही हो सॉफ्ट है पनीर। और पनीर टुकड़ा कर आप इन ठंडा पानी में गालना फ्रिज में रख सको 3-4 दिन तक पड़ी पनीर पड़ी रहे आप जिन टाइम में चाहिए उन टाइम आप सब्जी बना सको पनीर खराब नहीं रहे 3-4 दिन तक ठंडा पानी में गालना रख देना है फ्रिज में तो लो सा पनीर तैयार है आप।